हाँ जी, आ गए सारे? हाँ करें सब जो जो आ गए। ठीक है जी, मोइन शोइन जितने भी हैं सारे आ जुलन। एक दो बंदे और आ जुलन, जुबैर भाई स्टार्ट करते हैं फिर। किधर हैं सारे? जुबैर भाई जरा सारे बुलाओ ना, आतिफ भाई यहाँ थे जड़े जड़े हैं, जल्दी आओ जी। और बंदा आ गया जी, कौन आया जी, जल्दी से कमेंट करे। जुबैर भाई स्टार्ट करूं? आते भाई को बुलाएं, स्टार्ट करता हूँ फिर। ठीक है, और ये जो एक और बंदा ऑनलाइन हुआ है वो कमेंट कर दे कौन है। ठीक है जी, बैर भाई अगला स्टेप में स्टार्ट कर रहा हूँ, कमेंट करके सब बताएं, स्टार्ट कर। ठीक है जी, तैयब भी आ गए। अच्छा जी, हमने पढ़ा था कि हमने टेबल को क्रिएट करना पड़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्यूरीज के बारे में। सबसे पहले हमने मैडम ने हमें बताई थी कि सिलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी और अपडेट की क्यूरी, कि किस तरह आप क्यूरी के जरिए अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट की क्यूरी को देखते हैं। सेलेक्ट की क्यूरी के लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, कौन से टेबल से हमने सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स जो टेबल हमने क्रिएट किया था, अभी हमने एक ही टेबल क्रिएट किया, मल्टीपल टेबल क्रिएट करके हम उनमें से कोई से भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स सेलेक्ट हो गई। अब आपने इस लाइन को रन करना है, इस लाइन को रन करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। अभी उसने हमारे पास ये नीचे जो रिजल्ट शो किया, उसने प्रोग्राम आईडी, प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम हेड, अभी उसने उसके अलावा और कोई डाटा शो नहीं किया क्योंकि हमने कोई डाटा इंसर्ट ही नहीं करवाया। अब इंसर्ट, हम सबसे पहले हम डाटा इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट करवाने के लिए हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, हम इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे। ये नेक्स्ट क्यूरी स्टार्ट हो रही, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स और वैल्यूज, फिर आप ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और वैल्यूज के अंदर हम जो हमारी पहले प्राइमरी की हम दे देते हैं 1, और अगर हम नहीं भी देते ये खुद बहुत उसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा, खुद क्रिएट कर देगा, हम वैसे दे देते हैं 1। और अब उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम का नाम होगा वो हमने क्या कहा था, वारचार। वारचार है, वारचार यानी स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होते हैं उसके साथ हमेशा डबल कॉमे लगते हैं, लेकिन जो इंटीजर होता है जैसे कि 1, इसके साथ कोई भी कॉमा वगैरह नहीं आता। अब प्रोग्राम का नाम जैसे हम पढ़ते हैं सी एस में,
ठीक है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू हो गई जो हमारे पास इस प्रोग्राम नेम को रिलेट करती है। पहले हमने जो पहली वैल्यू है वो किसके अंदर जाकर इंसर्ट होगी, इसके अंदर, और सेकंड वैल्यू इस प्रोग्राम नेम के अंदर। अब थर्ड वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग, थर्ड वैल्यू जैसे कि प्रोग्राम हेड। अब प्रोग्राम हेड कौन है हमारे सी एस का? डॉक्टर नईम साहब, डॉक्टर नईम। डॉक्टर नईम, अब हम ये जो हमने लिखी है क्यूरी, हम इसे इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसे और एग्जीक्यूट। अब उसने क्या कहा, वन रॉ अफेक्टेड। जैसे ही आपके पास लिखा गया, आप समझ लीजिए, ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो क्यूरी है वो रन हो गई है सक्सेसफुली, और उसने एक रॉ भी इंसर्ट कर दिया। अब आप दोबारा अपने रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, आप सिलेक्ट की क्यूरी पे दोबारा जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए, हमने एक रिकॉर्ड क्या किया था, क्रिएट किया था, कौन सा प्रोग्राम आईडी क्या थी, वन, प्रोग्राम नेम बी एस सी एस और प्रोग्राम हेड। ठीक है, इधर तक सबको समझ आ जाए, समझ आ गई, ओके का मैसेज करें सर। चलें जी, नेक्स्ट चलूं आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट किस तरह करते हैं। अभी हमने सिलेक्ट की क्यूरी की एक टाइप पढ़ी है, इंसर्ट। अगर आपने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तो हम एक और रिकॉर्ड भी इंसर्ट करा, हम इसके अंदर भी चेंजेस कर सके, दोबारा क्यूरी रन कर सकते हैं, जिससे इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब हम कहते हैं टू, और दूसरा हम करते हैं बी एस एस सी, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उनके जो है हम लिख देते हैं एच ओ डी कौन है जी, डॉक्टर मुनीर साहब, मुनीर। ठीक है जी, तो हम दोबारा इस क्यूरी को सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसने कहा एक और रॉ अफेक्टेड हो गई, मतलब एक और रॉ इंसर्ट हो गई। दोबारा देखने के लिए आप प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे और क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, हमारे पास नेक्स्ट रॉ भी बी एस एस सी डॉक्टर मुनीर साहब, और प्रोग्राम का हेड कौन है, डॉक्टर मुनीर साहब। ये हमारे पास सेकंड रॉ इंसर्ट हो गए। इसी तरह इंसर्ट की क्यूरी हमारे पास इसी तरह काम करती है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपडेट की क्यूरी। ठीक है, अपडेट की क्यूरी की भी टाइप्स हैं, आप पूरी रॉ को भी अपडेट करा सकते हैं, सिंगल एक कॉलम को सिर्फ अपडेट कराना चाहें वो इस, ठीक है। तो आप, हम पहले एक टैब पढ़ते हैं, हम करते हैं अपडेट, अपडेट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, अपडेट, और अपडेट कौन से टेबल को कराना है, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स। ठीक है, हम एक और कीवर्ड सेट, किस चीज को अपडेट, सेट, उसका सेट देंगे हम। सबसे पहले हम अपडेट कराना चाहते हैं प्रोग्राम नेम, नेम किससे अपडेट कराना चाहते हैं, स्ट्रिंग कॉमे के अंदर लिखेंगे हम, जैसे कि प्रोग्राम नेम वी एस, पूरा हम कहते हैं पूरा एच सी एस ना, गलती होगी हमसे, कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, और हम चाहते हैं कि अभी सिर्फ इतना ही, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम कंप्यूटर साइंस का क्या हो, अपडेट हो जाए। इससे क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि जितनी भी प्रोग्राम नेम्स हैं आपके, जैसे प्रोग्राम नेम, ये सबको अपडेट कर देगा। अब जैसे कि मैं क्यूरी को रन करता हूँ, देखें इसका इफेक्ट क्या होगा, वन रॉ, टू रॉज इफेक्टेड हो गई। ठीक है, सिलेक्ट प्रोग्राम की क्यूरी को दोबारा रन, अब उसने क्या कर दिया, दोनों को अपडेट कर दिया। लेकिन आप क्या चाहते थे, आपने सिर्फ पहला वाला क्या करना था, अपडेट करना था, लेकिन उसने दोनों को कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने उसे कोई आइडेंटिटी नहीं दी थी वो किस तरीके से मैच करके पहले वाले को अपडेट करे।
उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अब जैसे कि हम चाहते हैं कि ये जो पहले दोनों चेक नहीं होने चाहिए, सिर्फ पहला वाला तो हो गया, साथ में दूसरा वाला भी हो गया। हम अब दूसरे वाले को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। हम कहेंगे अपडेट प्रोग्राम्स सेट प्रोग्राम नेम BSSC, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, कौन से वाले को अपडेट करें, जिसकी प्रोग्राम आईडी क्या है 2, इस रो को हम अपडेट कराना चाहते हैं ना, ये वाली 2 वाली। तो हम लिखेंगे वेयर प्रोग अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 2। अब देखिएगा वो सिर्फ सेकेंड रॉ के प्रोग्राम नेम को अपडेट करेगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम प्राइमरी की क्यों बनाते हैं। अगर इधर प्राइमरी की नहीं होती, इधर भी 1 होता, इधर भी 1 होता, हम किस तरह फिर से मतलब डिफरेंस करके एक दूसरे से किसको अपडेट करा सकते थे। तो प्राइमरी की का यही फायदा होता है कि प्राइमरी की कभी भी आपके टेबल में मतलब के सेम नहीं आती, हमेशा अलग ही होती है। अगर आप सेम इंसर्ट करने की कोशिश भी करें तो आपको एरर देती है कि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होती। हमने इसे सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। अभी देखिए एक ही रॉ इफेक्ट हुई, हम चाहते थे एक ही रॉ, और कौन सी वैल्यू हुई हम देख लेते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं। हम देखें प्रोग्राम नेम में सिर्फ हम चाहते थे ये सेकेंड रॉ वाली, तो देखें सेकेंड रॉ वाली हो गई। उसके लिए क्या हमने क्या किया, हमने प्राइमरी की का यूज करके जो प्रोग्राम आईडी है वो जिसकी 2 है उसे अपडेट कर दे, उस वाले प्रोग्राम ने। अब 2 में प्रोग्राम नेम ये वाला था, इसलिए इसने अपडेट कर दिया। सबको समझ आ गई इधर तक, जिस जिसको समझ आ गई ओके करे, कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी जुबैर भाई। अच्छा ये थी हमारे पास अपडेट की क्यूरी। अब हमने 3 क्यूरीज पढ़ ली, स्लैक की क्यूरी पढ़ ली, इंसर्ट की क्यूरी पढ़ ली, अपडेट की। अब हमारे पास एक ही क्यूरी रह गई है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम कॉलम को डिलीट, जो रॉ को डिलीट कर रहे थे सिंपल वे में, हम क्यूरी के जरिए कैसे करेंगे। क्यूरी के जरिए हम लिखेंगे डिलीट, डिलीट करना चाहते हैं ना, फ्रॉम किधर से, प्रोग्राम से। ठीक है, अब इधर भी वही बात आ जाती है वेयर की कंडीशन की, हम सिर्फ जो 2 वाली आईडी है ये वाली रॉ को डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम प्रोग्राम्स वेयर प्रोग अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्या है 2। अब डिलीट में पूरी रॉ डिलीट होती है, एक कोई कॉलम डिलीट नहीं होता, पूरी रॉ डिलीट होती है। डिलीट फ्रॉम प्रोग्राम वेयर प्रोग आई डी इक्वल टू 2, सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, 1 रॉ अफेक्टेड। अब हम दोबारा सिलेक्ट की क्यूरी को रन करके देखेंगे, हम शो देखना चाहते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। सिलेक्ट की क्यूरी हमने सिलेक्ट की और एग्जीक्यूट कर दिए थे। देखें तो सेकेंड रॉ थी वो उसने क्या कर दी, डिलीट कर दी। इधर तक किसी कोई मसला, सब ओके करें। ठीक है जी, अब तो ये था डिलीट की। अब हम सिलेक्ट की क्यूरी की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड में जाके कोई टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं इस क्यूरी के जरिए। एग्जीक्यूट हो गई, सिलेक्ट की क्यूरी को सिलेक्ट करके दोबारा रन किया। ठीक है, अब हम चाहते हैं, हम सिलेक्ट करना चाहते हैं किसको, किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ प्रोग्राम नेम हम चाहते हैं। सारी रो सिलेक्ट होके ना, सिर्फ प्रोग्राम नेम हमारे पास सिलेक्ट होके आ जाए, जितने भी हैं 3 है, 4 है, इधर 2 है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी लगती है, सिलेक्ट फिर स्टेरिक की जगह इधर हम यूज करते हैं सिलेक्ट, कौन सी फील्ड, कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम अंडरस्कोर नेम प्रोग नेम। ठीक है, प्रोग नेम फ्रॉम किधर से, प्रोग्राम से, प्रोग्राम से। ये हमने, मैडम ने हमें पढ़ाया था वेयर की कंडीशन, या किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करके लाने, जो यूनियन वगैरह का बताया था इस तरीके की, ये वो चीज है। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोग्राम नेम, फ्रॉम सिलेक्ट प्रोग्राम नेम फ्रॉम प्रोग्राम्स, सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। देखें उसने सिर्फ हमारे पास क्या सिलेक्ट करके लाया, प्रोग्राम नेम को। ठीक है, समझ आ गई।
ठीक है जी। अब हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूट। आप किसी भी सिंपल आप चाहते हैं कि जो आपके पास जो पहली रो है सिर्फ वो हमारे पास सेलेक्ट होके आ जाए, उसके लिए भी आप सिंपली ये वेयर की कंडीशन ही लगाएंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट लगाते हैं, जैसे नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोग्राम्स वेयर प्रोग आईडी आईडी इक्वल्स टू टू। हम कहते हैं दूसरी रॉ सेलेक्ट हो गया, जिसकी आईडी टू है वो रॉ सेलेक्ट हो, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट की देखें, उसने सिर्फ दूसरी रॉ को क्या किया, सेलेक्ट किए। समझ आ गई इधर तक दोपहर भाई? जान भाई आपको इंशाल्लाह कल मैं आपको शुरू से समझाना पड़ेगा, आप अपना कल लैपटॉप लेके आइएगा ना, तो मैं आपको ये जो एसक्यूएल स्टूडियो है ये इंस्टॉल भी करा दूंगा और आपको सही तरह से मैसेज मतलब एक दफा दोबारा समझा दूंगा। ठीक है ठीक है जी, तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपको मैं समझा दूंगा। अच्छा जी जुबैर भाई, ये जो चीजें थी, और अब जैसे कि मैंने एक ही अपडेट की क्वेरी गुजारा देखें, ये अपडेट में एक ही प्रोग्राम नेम को मैंने क्या कराया था, एक ही फील्ड को मैंने अपडेट कराया था। ठीक है, इंटरनेट क्यों ऑफ है? अब हमने क्या कराया था, सिर्फ प्रोग्राम नेम को, हम अगर मल्टीपल कॉलम्स को अपग्रेड मतलब कराना चाहते हैं, क्या कहते हैं अपडेट, तो फिर हम वही तरीका होता है, इधर कॉमा लगाएंगे और हम चलाएंगे प्रोग्राम हेड को भी कराना चाहते हैं। ठीक है, इक्वल टू प्रोग्राम हेड, प्रोग आईडी में क्या प्रोग्राम हेड डॉक्टर मुनीर है, मैं लगा देता हूँ आतिफ। ठीक है, आतिफ भाई, ठीक है, इससे मैं अपडेट कराना चाहता हूँ। मैं जितनी भी आप लगाना चाहें जितनी भी कॉलम्स को, तो आप कॉमे लगा के उतने कॉलम्स पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराएंगे। अब हम दोबारा रिजल्ट देखना चाहता हूँ, सेलेक्ट करूंगा, देखें उसने उस दोनों कॉलम्स को क्या कर दिए, अपडेट कर दिए। ठीक है जुबैर भाई, ये इतनी था जो जितना अभी तक मैडम ने पढ़ाया है, हमने फिर भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा पढ़ लिया है, ये जो इतनी मतलब कल मैडम पढ़ाएगी तो सबको आना चाहिए। ठीक है, किसी कोई मसला होता है तो अभी मुझसे पूछें। जुबैर भाई कोई मसला है इस किसी क्यूरी में, वो फिर मैं मतलब के वो क्यूरी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, इतना काफी है। ते अगर कोई मसला है इस क्यूरी में, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ।